सो हर पेशेंट मुझे पूछते हैं, डॉक्टर मुझे तो ब्रेस्ट कैंसर हुआ, मुझे लंग कैंसर हुआ, क्या मेरा बच्चे में भी ये कैंसर होगा या नहीं होगा? इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मुझे कैंसर हुआ है तो मेरा फादर में या मदर में रहना ही चाहिए। हो सकता है कोई फार रिलेटिव है उनमें हुआ हो या हमको नहीं पता हो। तो ऐसा सिचुएशन में जब एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, इसको कैसे सॉल्व करें? सच में मेरा शरीर में कैंसर होने का संभावना है या नहीं, मेरा बच्चे में कैंसर होने का संभावना है या नहीं, इसको जानने के लिए सिंपल ब्लड टेस्ट से हम जान सकते हैं। इसको बोलते हैं हेरिडिटरी कैंसर पैनल। हम नॉर्मल ब्लड को लेके कोई कैंसर होने का जो क्षमता है, वो जीन्स में कोई डिफेक्ट है, वो हम देखते हैं। इसे ज़रूर हम अराउंड अप टू 90% चांस से बोल सकते हैं कि कोई ऐसा हेरिडिटरीली ट्रांसमिसिबल जीन्स है या नहीं। इसको बोलते हैं जर्म लाइन म्यूटेशन, ये हम ज़रूर ब्लड टेस्ट से बोल सकते हैं। तो ज़रूर आपको ऐसा शक है तो ज़रूर आपके डॉक्टर से आप कॉन्टैक्ट करेंगे और पूछेंगे कि मुझे हेरिडिटरी कैंसर पैनल कर सकते हैं क्या। इफ़ डॉक्टर फील्स यू आर एलिजिबल, ही विल डेफिनेटली रिकमेंड यू। हेरिडिटरी बोलते ही मुझे दो कैंसर मन में याद आता है। एक है ओवेरियन कैंसर, पेट में जो ओवरीज दो होता है वो है। दूसरा ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर साथ में जाते हैं। एक ही जीन है, ब्राका जीन बोलते हैं, ये जीन से ये कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। सो ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर आपका फैमिली में है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री जिसमें भी है, तो ज़रूर आप आपके डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आप कैंसर के लिए हाई रिस्क में है या नहीं है। हाई रिस्क में है तो उसके लिए हाई रिस्क स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स हैं। पहले देखना होगा अपना शरीर में वैसा एक जीन ट्रांसमिट हुआ या नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है तो हाई रिस्क स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल एंड रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो।